नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां बरसों पुराना सरकारी उपेक्षाओं के शिकार दम तोड़ते हुए पशु चिकित्सालय का है, जो प्रखंड क्षेत्र के प्रतापटांड पूर्वी पंचायत में स्थित है। बरसों पुराने इस अस्पताल की यह स्थिति है कि यहां मात्र एक चिकित्सक पदस्थापित है और उन्हीं के भरोसे यह अस्पताल चल रही है। यह पशु चिकित्सालय में सुविधाओं के नाम पर थोड़ी बहुत दवा तो उपलब्ध मिल जाती है। इस चिकित्सालय में उपस्थित डॉक्टर की माने तो प्रखंड क्षेत्र के पशु चिकित्सालय होते हुए भी यहां कुत्तों के लिए आने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में अभी मात्र चिकित्सक के रूप में मैं अकेला हूं और एक सेवक पंकज कुमार मात्र है। आगे सुनिए यहां के चिकित्सक से जब हमारी टीम की बातचीत हुई तब उन्होंने क्या बताया। रिपोर्ट कमलेश किशोर, वैशाली। आपका नाम क्या हो गया? बच्चन पासवान। बच्चन पासवान, आप इस अस्पताल में कार्यरत है क्या? नहीं, कार्यरत वैक्सीनेटर। कितने सालों से? हम 2011 से वैक्सीन करते आए हैं। 2011 से। अने इस अस्पताल के लिए वैक्सीनेटर के रूप में आप ही हैं? हाँ, नहीं नहीं, और लोग हैं। अच्छा, हम अध्यक्ष हैं भगवानपुर प्रखंड के। भगवानपुर प्रखंड करते हैं वैक्सीनेटर संघ के। सर, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, कि इस अस्पताल में आप क्या हैं? मेरा नाम डॉक्टर निकू महेंद्र हुआ। मैं प्रांसिक पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रतापता हूँ, यहाँ इस हॉस्पिटल पोस्टेड हूँ। सर, इस अस्पताल में सर कितने चिकित्सक या कितने व्यक्ति यहाँ पोस्टेड हैं अभी? इस अस्पताल में मैं अकेला डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक हूँ, एक अनुसेवक है पंकज कुमार। आप बोल रहे हैं कि यहाँ जो चिकित्सा होता है पशुओं का, उस चिकित्सा में सर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? जो अगर कोई पशु आता है बीमार तो उसको क्या क्या सुविधा मिल सकती है यहाँ पे? यहाँ जो भी बीमार पशु आते हैं उनका चिकित्सा, जो उपलब्ध दवाई है उससे चिकित्सा की जाती है। जो भी दवाई उपलब्ध है हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, जिला से, उस दवाई से हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। यहाँ पे सर जैसे में भूख की दवाई है उपलब्ध है, डायरिया की दवाई उपलब्ध है, कीड़े की दवाई उपलब्ध है, कुछ एंटीबायोटिक उपलब्ध मिलती है हम लोग को, जो अभी नहीं है, इस हॉस्पिटल में खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया है। सर, सभी पशु जिसमें डॉग वगैरह सभी होंगे? हाँ, सभी पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, सभी, इन लोग सभी का इलाज किया। तो सर, कुत्ता वगैरह सभी का होता है, तब तो एंटी रेबीज वगैरह भी यहाँ उपलब्ध होगा? नहीं, एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जाता है यहाँ पे, उपलब्ध नहीं होता है। सर, अब फिर है कि एक सिंगल आप चिकित्सक हैं यहाँ पे, तो क्या सर संभव है कि सिंगल चिकित्सक से सारे काम हो सके यहाँ? अभी तक तो यहाँ एक ही पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, पर स्थापना किया हुआ है, संभव तो नहीं है। अगर दो चिकित्सक मिल जाएंगे तो और अच्छी तरह से हम लोग सेवा दे सकते हैं इस अपने एरिया में, क्षेत्र में। यहाँ सर, ये छोटे पशुओं के लिए क्या स्ट्रेचर वगैरह की भी व्यवस्था है क्या? स्ट्रेचर की व्यवस्था अभी तो तत्काल नहीं है यहाँ पे। तत्काल माने वहाँ अभी बोर्ड से आपको मिला ही नहीं है? नहीं मिला है वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट।